फरुखाबाद से एक बेहद दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक झोपड़ी में फांसी पर लटका हुआ मासूम का शव मिला। आपको बता दें कि दो दरिंदों ने 12 साल की मासूम बच्ची को मोबाइल नंबर दिया था। बच्ची के बात ना करने पर नंबर को फाड़ कर फेंक देने पर दरिंदों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और मासूम को मारकर फांसी के फंदे पर लटका दिया। दरिंदों की इस घटना से बच्ची के परिवार में कोहराम मच गया है। बिटिया क्या हुआ तो कैसे हमारे बिटिया कन्हैया ने मारी, राधे के लड़का ने, अभिरंदन के लड़का ने, लड़का को अभिरंदन के लड़का को ना धीर दंग ये कहाँ गया देना एक समय चेप रखे है भैया। तुम उस समय कहाँ थे? हम पगो नहीं बहती इतनी साल भर पड़िया पटाई पिलाई और एक गैया है मारे तीर हम अपनी चुंगाई रहे मेरे बच्चा दुई पढ़ने गए पढ़ के आए मेरे बच्चे ने पूछी छोटी बहनी को कहीं बड़ी जिया कहाँ गई कहीं घर आएगी और जे हुई थी मैं आए इन्हें नंबर फेंको नंबर मेरी बिटिया बसना धोए के गई पानी बंद चले गई। आपको बता दें कि मृतिका के छोटे भाई ने दो युवकों को झोपड़ी के पास से भागते हुए देखा। वहीं मृतिका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। थाना क्षेत्र का समैचीपुर तिराई निवासी सर्वेश की 12 साल की बच्ची शिवानी का शव बाढ़ से घिरी झोपड़ी में फांसी के फंदे पर लटका मिला। थाना शमशाबाद के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में एक लड़की का शव दुपट्टे से झोपड़ी में लटका हुआ पाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। लड़की के चाचा की तरफ से दो व्यक्तियों के विरुद्ध मार कर लटका देने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई गई है, जो धारा 302 के अंतर्गत दर्ज कर ली गई है। प्रकरण में शव का पोस्टमार्टम कराए जाने हेतु भेजा गया है तथा अनुरोध किया गया है कि इसे डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराया जाए। आपको बता दें कि आरोपी एक महीने से मृतिका को तंग कर रहे थे, किशोरी से आए दिन छेड़छाड़ किया करते थे। वहीं जब अपनी लापता बहन को तलाशने छोटा भाई खाली झोपड़ी में पहुंचा तो उसने बहन के शव को फंदे से लटका हुआ देखा और मौके से दो युवकों को भागते हुए भी देखा। आनन फानन में पुलिस ने दोनों दरिंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी दरिंदों की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं इन हैवान दरिंदों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बच्ची ने बात करने से मना किया तो दरिंदों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अब देखना होगा कि थाना पुलिस इन दरिंदों को कब तक गिरफ्तार कर जेल भेजती है और बच्ची के परिजनों और बच्ची को कब तक इंसाफ मुहैया करवाया जाता है। जनहित टाइम्स के लिए फरुखाबाद से आदेश यादव की रिपोर्ट।